अभी सब अपने अपने मेट पर या दरी पर बेडशीट पर लेट जाएं, पीठ के बल लेटें। पीठ के बल लेट जाए, ये आईफोन 11122 33 नंबर से जुड़े हो आप, का वीडियो तो चालू है लेकिन कैमरा आपका सेट नहीं है, कैमरा सेट कर लें। मनोज जी थोड़ा कैमरा सेट कीजिए आप भी। सबसे पहले लेटने के बाद सीधे लेटे, दोनों पैरों के बीच 9 इंच का फासला रखिए, दोनों हथेलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई, गर्दन बिल्कुल सीधी। इसको हम शवासन बोलते हैं, शवासन या काय उत्सर्ग, ये रिलैक्सेशन के लिए आसन किया जाता है। कोई भी आसन करने के बाद हम थोड़ी देर विश्राम करते हैं तो शवासन या काय उत्सर्ग की मुद्रा में विश्राम किया जाता है। शवासन नेक्स्ट हम करेंगे। अब उत्तान पादासन, उत्तान पादासन दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, हथेलियां नीचे की ओर फर्श से चिपकी हुई रहे। गर्दन सीधी। अब पहले दाहिने पैर को धीरे धीरे श्वास भरते हुए 30 डिग्री तक उठाइए, दाहिना पैर 30 डिग्री, राइट पैर 30 डिग्री उठाइए, थोड़ा सा और उठाइए सुचेता जी। हाँ ठीक है, यहाँ पे रोकिए, रोकना है 30 सेकंड कम से कम होल्ड करना है। कल हमारे जो क्लास हुई थी उसमें क्या हम सही में योग कर रहे हैं, इस विषय पर भरत भाई ने जो हमें निर्देश बताए थे उन्होंने बताया 2 मिनट से 3 मिनट तक रुकना चाहिए। तो हम आज 2 मिनट 3 मिनट तो नहीं रुकेंगे, 30 सेकंड रुकने का प्रयास जरूर करेंगे और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे पैर को वापस नीचे लेकर आइए, बिल्कुल स्लोली, पैर नीचे लाते समय झटके से नहीं आना, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसी पैर को 60 डिग्री 60 डिग्री तक लेकर आइए, बस वेरी गुड। यहाँ पे रोकना है 30 डिग्री 30 सेकंड 30 सेकंड रोकना है, 60 डिग्री पे 30 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे, वेरी बिल्कुल सही। अभी इसी क्रिया को लेफ्ट पैर से करना है। लेफ्ट पैर पहले 30 डिग्री धीरे धीरे उठाइए, रुकिए यहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे धीरे पैर को नीचे ले आइए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसी पैर को 60 डिग्री तक लीजिए, 60 डिग्री। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर लीजिए, रोकिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे धीरे पैर को नीचे ले आए। वेरी गुड, रिलैक्स। अभी हमने एक पैर से किया, अब दोनों पैर एक साथ मिले हुए रहेंगे, दोनों पैरों को एक साथ उठाना है 30 डिग्री तक लाकर। इस बार हम 15 सेकेंड ही रोकेंगे, कारण दोनों पैरों को एक साथ रोकना में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, तो आप 15 सेकेंड अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए 30 डिग्री तक, रुकिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। स्लोली डाउन। बहुत बढ़िया सुचेता जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। नीचे आ रहे हैं तो नाभि में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। अब दोनों पैरों को 60 डिग्री तक लीजिए, 60 डिग्री, रोकिए, 15 सेकंड कोशिश करना है आपसे, जबरदस्ती नहीं करना, आसानी से हो तो करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाइए। वेरी गुड, रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पैरों को फैला दीजिए थोड़ा सा, पंजों को हथेलिया छत की ओर, कायस्थ की मुद्रा जो पहले मैंने बताई, विश्राम की मुद्रा में आ जाए। तो अभी हमने उत्तान पादासन कैसे किया जाता है ये जाना, विधि पूर्वक आप करेंगे और रुकते हुए करेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आप फटाफट जल्दबाजी करोगे तो उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। अब देखिए, आपने आसन अभी किए तो आपको महसूस हो रहा होगा कहां खिंचाव आ रहा था, जिस केंद्र पर या जिस हमारे चक्र पर खिंचाव आता है या प्रेशर पड़ता है, उससे वो चक्र हमारा एक्टिवेट होता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इससे फायदा क्या होता है, पहले तो आप जब पैर ऊपर उठाते हो तो रक्त का प्रवाह अपने पंजों से पैरों के नीचे की ओर आता है ऊपर के जैसे, तो उसमें जो हमारे वेरिकोज वेंस जिनको होते हैं प्रॉब्लम होती है उसके लिए फायदेमंद है। पीठ में दर्द, स्लिप डिस्क, कठिनाई हो तो वो आप इस आसन को धीरे आसानी से नहीं कर सकते हैं, वो एक बार इसे नहीं करना है, बच के रहना है। लाभ इससे क्या होता है, पाचन चक्र ठीक होता है, यकृत में रस बराबर बनने लगता है। उत्तान पादासन करते समय मुक्त मुख्य रूप से पैर उठते हैं तो पैरों की सारी बीमारियां इससे फायदा होता है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, रक्त का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, तो मैंने बताया वेरिकोज वेंस में इसमें फायदा होता है। और जब पैर को धीरे धीरे आप नीचे लेकर आते हैं तो नाभि चक्र पर खिंचाव आता है, नाभि चक्र पर खिंचाव आता है, तो इसलिए हमारे नाभि से संबंधित सारे रोग इससे दूर होते हैं। तो अभी हमने उत्तान पादासन का अभ्यास किया,
जो भी आसन करते हो आप पूरे विधि पूर्वक करें और थोड़ी देर रुकते हुए करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब हम करेंगे अर्ध हलासन, दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाना है, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, दोनों पैर मिलाते हुए 90 डिग्री उठा लीजिए, 90 डिग्री पैर ऊपर बिल्कुल छत की ओर रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे धीरे पैर नीचे ले आए। विश्राम बराबर, बिल्कुल आराम से, वेरी गुड। सुचेता जी बहुत बढ़िया करके बता रही है, बाकी भाई बहन भी कोशिश कर रहे हैं, काफी भाई बहनों के वीडियो अभी भी ऑफ है। आप वीडियो चालू नहीं करेंगे है तो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो मालूम नहीं पड़ेगा। तो अभी हमने अर्ध हलासन का अभ्यास किया, अर्ध हलासन से भी वही फायदे होते हैं जो हमें उत्तानपादासन से होते हैं। इसमें भी पैर ऊपर की ओर जाते हैं, नाभि चक्र में भी खिंचाव आता है जब पैर धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं, तो अर्ध हलासन का अभ्यास भी आपको करते रहना चाहिए। आसनों से हमारे चक्रों पर प्रभाव पड़ता है, ये बात कल हमने जानी थी। और हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से जो 7 चक्र बताए गए, 7 चक्र आपको खुद को महसूस होगा किस चक्र पर प्रभाव पड़ रहा है, कौन सा चक्र इससे महसूस होगा आप जब आसन करेंगे, तो इससे किस आसन पर प्रभाव पड़ रहा है। मूलाधार चक्र जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे बताया गया, मूलाधार, हम जब बैठते हैं आसन लगाकर तो बैठक में जो स्थान है वो मूलाधार चक्र। उसके बाद आता है हमारा मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर नाभि से नीचे स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर नाभि से थोड़ा सा नीचे स्वादिष्टान चक्र। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, नाभि का स्थान, नाभि का जो स्थान है वो मणिपुर चक्र कहलाता है। और उसके बाद हृदय के पास जो गड्ढा है छाती के बीचों बीच जिसे हम कहते हैं अनाहत चक्र, कंठ का स्थान विशुद्धि चक्र, दोनों भ्रकुटियों के बीच थोड़ा सा ऊपर आज्ञा चक्र कहते हैं जिसे, और सिर के ऊपर बिल्कुल ऊपर सहस्रार चक्र, 7 चक्र बताए गए। तो किस चक्र पे प्रभाव पड़ रहा है आप आसन करोगे तो आपको महसूस हो जाएगा। कल हमने पूरा चार्ट भी देखा था, बताया था भरत भाई ने कौन से आसन से किस चक्र पर प्रभाव पड़ता है, तो आज हम प्रैक्टिकल उसे अनुभव भी कर रहे होंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए तैयार एसिडिटी से संबंधित एक आसन और पीठ के बल करने के बाद हम 2 या 3 आसन पेट के बल लेटकर भी करेंगे। पवन मुक्तासन कई प्रकार से किया जाता है, हम यहाँ जो प्रयोग करवाते हैं आपको हमेशा 6 स्टेप में करवाते हैं, 6 स्टेप, कई जगह 4 स्टेप भी किया जाता है, तो हम 6 स्टेप से करते हैं। तो कैसे करते हैं, दोनों पैर मिला लीजिए, हथेलियां जंघाओं के पास नीचे की ओर, हथेलियां पैर बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी। अब दाहिने पैर को थोड़ा सा 3 इंच से 4 इंच उठाइए हवा में, दाहिनी ओर फैलाइए, पूरा फैलाइए, पूरा फैला दीजिए, धीरे धीरे पैर वापस सीधा कीजिए, 2 में पैर वापस सीधा, 3 में घुटने से मोड़िए, घुटने को पकड़कर सीने से लगाइए, दोनों हाथों से घुटने को पकड़कर सीने से लगा लीजिए, दबाइए घुटने को, वेरी गुड। दाहिना पैर मोड़ रहे हो, बायां पैर बिल्कुल सीधा रहे। अब गर्दन उठाते हुए नाक को घुटने पे लगाना है, ये 4 की स्टेप में यहां पे रुकना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. आज 15 सेकंड ही रुकेंगे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, 6 में पैर को सीधा कर ले, 6 स्टेप। समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रिया को बाएं पैर से करेंगे। बाया पैर पहले थोड़ा सा उठाइए 3 से 4 इंच। अब पैर को फैलाइए बाईं ओर, 2 में वापस पैर सीधा करेंगे, पैर हवा में रहेगा। 3 घुटने से मोड़िए, घुटने को पकड़कर सीने से लगाइए, दबाइए, पूरा दबाइए, जितना दबा सकते दबा दीजिए। बाया पैर दबाइए और दाहिने पैर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन उठाते हुए नाक को घुटने पर लगाइए, रुकिए यहां पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे गर्दन को नीचे ले आइए। अब पैर को धीरे से सीधा करते हुए बिल्कुल आराम। तो अभी हमने एक पैर से किया, पहले राइट पैर से फिर लेफ्ट पैर से। अब दोनों पैर एक साथ लेना है, दोनों पैर मिला लीजिए। दोनों पैरों को राइट साइड लेकर जाइए, थोड़ा सा उठाते हुए, वेरी गुड। 2 में वापस सीधा कीजिए पैरों को, पैर हवा में रखिए। 3 में दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों घुटनों से पकड़कर दबाइए, दोनों हाथों से कसकर दबाइए और दबाइए और दबाइए, पूरा सीने से लगा लीजिए। 4 में गर्दन उठाते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगाना है और यहाँ पे रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे गर्दन नीचे, दोनों पैर सीधे करते हुए आराम से पैरों को सीधा कर ले। अभी हमने पैरों को राइट साइड लिया था, अब लेफ्ट साइड लेना है। दोनों पैर उठाइए, लेफ्ट साइड लीजिए, वापस आइए, पैर सीधे, पैर हवा में रहेंगे। 3 में मोड़िए दोनों घुटनों से, पकड़कर दबाइए, सीने से लगा लीजिए घुटनों को। 4 में गर्दन उठाते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगाना है, रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे गर्दन नीचे, 6 में पैर सीधे, रिलैक्स, विश्राम की मुद्रा, कायोसन की मुद्रा या शवासन, वेरी गुड। आपको महसूस हो रहा होगा कहां कहां पर खिंचाव आया इससे हमारे एक साथ कई चक्र इससे प्रभावित होते हैं। और एसिडिटी, वायु विकार, कल एक बहन ने पूछा था एसिडिटी के लिए क्या करना चाहिए, तो एसिडिटी के लिए, वायु विकार के लिए सबसे बढ़िया आसन बताया गया पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का अभ्यास किस तरह से किया जाता है अभी आपने जाना, तो इसका अभ्यास आपको नियमित करना है। श्वास का ख्याल रखना है, खास करके एक चीज आपको ध्यान रखना है, शरीर का कोई भी अंग अगर नीचे से ऊपर की ओर आ रहा हो, हाथ पैर गर्दन, तो आपको श्वास भरना है, नीचे आते समय श्वास छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम करेंगे पेट के बल, आ जाएंगे पेट के बल। मकरासन, मकरासन में दोनों पैर मिले हुए, कोहनियों के बल आइए, दोनों हथेलियों को ठुड्डी के नीचे इस तरह से लगा लीजिए, पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, पैर बिल्कुल सीधे, नजरें सामने,
ये मकरासन बहुत ही बढ़िया आसन है। इसमें रीढ़ की हड्डी जो है हमारे पीछे की ओर बेंड हो रही है, मेरुदंड में जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है और ये आसन सभी कर सकते हैं मकरासन। इसमें खासकर थायराइड ग्रंथि पर खिंचाव आ रहा होगा आपको, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां आपको खिंचाव आ रहा है, तो ये जो हमारा थायराइड ग्रंथि में कौन सा चक्र बताया हमने, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र इससे प्रभावित होता है। रुकना है 15 सेकंड से 20 सेकंड इस आसन में, आप ज्यादा देर भी रुक सकते हो, बहुत ही सरल है, कोई तकलीफ नहीं है, रुके रहिए थोड़ी देर। गर्दन में जिनको दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। वेरी वेरी गुड। अब इसी आसन में लेटे लेटे कोहनियों को आगे पीछे करते हुए चलित मकरासन, कोहनियों के बल चलेंगे, धीरे धीरे कोहनियों के आगे लाइए, छोटे छोटे डग भरते हुए। वापस कोहनियों को अंदर लीजिए, वापस धीरे धीरे आगे। वेरी गुड। आपके रीढ़ की हड्डी में कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा होगा, कुछ अप डाउन हो रहा है ऐसा महसूस हो रहा है। चलित मकरासन, एक राउंड और करें। रिलैक्स। बालासन में आते हुए बालासन में एक घुटना मोड़िए, जो घुटना मुड़ेगा वो हाथ भी मुड़ जाएगा, जो पैर सीधा रहेगा वो हाथ सीधा जंघा के पास ले लीजिए, हाथ को हथेली ऊपर की ओर, हाथ बिल्कुल सीधा, और जो घुटना मुड़ा हुआ है गर्दन उस ओर मोड़ लीजिए और आराम से लेटे रहिए। जब हम पीठ के बल आसन करते हैं तो विश्राम की अवस्था में हम शवासन करते हैं, और जब पेट के बल करते हैं तो बालासन विश्राम के लिए किया जाता है। अभी चलित मकरासन का अभ्यास जो हमने किया, इससे जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद आसन बताया गया। जिनका बीपी लो होता है, बीपी लो होने के कारण चक्कर भी आ सकते हैं, तो उनके लिए चलित मकरासन का बेनिफिट आप उससे मिलेगा आपको। नेक्स्ट करेंगे हम नौकासन। नौकासन दोनों हथेलियां सामने फैलाइए, हाथ सामने फैलाइए, पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथ सामने फैले हुए, हथेलियां नीचे फर्श से चिपकी हुई रहे। अब पैर भी उठेंगे इसमें, घुटने भी उठ जाएंगे, हाथ भी उठ जाएगा, सीना भी उठ जाएगा, पूरा वजन आपका नाभि पे आ जाएगा। दोनों ओर से उठाना है, नजरे सामने नहीं, अभी उठा के रुकना है, स्विमिंग अभी नहीं करना है, दोनों ओर से उठाइए। हाँ रुकिए, पूरा वजन नाभि पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे आइए, स्लोली। अब आप स्विमिंग कर सकते हो, जो स्विमिंग आप पहले कर रही थी, हाथों को पैरों को ऊपर नीचे करते हुए, दोनों हाथों को गोल गोल घुमाते हुए स्विमिंग, इससे भी आपके नाभि पर इफेक्ट पड़ेगा, स्विमिंग पानी में तैरने की क्रिया।
हम आसन के साथ कुछ क्रिया भी कर रहे हैं, रिलैक्स। बालासन में आते हुए पहली बार अपने राइट साइड गर्दन को मोड़ी थी, इस बार दूसरी साइड कर सकते हो, लेफ्ट पैर मोड़ते हुए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम करेंगे शलभासन। शलभासन दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे दबाइए, हथेलियां ऊपर की ओर जंघाओं से सटी हुई, पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर, ठुड्डी जमीन पर फर्श पर चिपकी हुई, शरीर बिल्कुल सीधा रहे। इस पे आप इस आसन को एक पैर से, दोनों पैर से, दोनों प्रकार से कर सकते हो। तो पहले हम एक पैर से करेंगे, राइट पैर को उठाना है, ठुड्डी जमीन से सटी हुई रहेगी, श्वास भरते हुए राइट पैर को उठाइए, बिल्कुल जितना उठा सकते हो, पैर सीधा रखिए, घुटने से मोड़ेंगे नहीं, रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे बिल्कुल श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आइए। अब इसी आसन को दूसरे पैर से करें, लेफ्ट पैर उठाइए, घुटना उठना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे पैर वापस नीचे ले आइए। अब दोनों पैर एक साथ, हथेलियों को जंघाओं के नीचे दबा के रखिए और कोशिश करेंगे दोनों घुटने उठ जाए, जबरदस्ती नहीं करना, ठुड्डी चिपकी हुई रहे फर्श से। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे बिल्कुल नीचे लाते हुए बालासन में आ जाए, रिलैक्स। अभी आपने सीखा शलभासन कैसे किया जाता है। जिन लोगों के पेट में अल्सर होता है उनको ये आसन नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हैं। जिनको मेरुदंड में प्रॉब्लम है तो आपसे हो तो आप जरूर करें, नहीं तो जिनके मन के खिसके हुए हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम अगर लग रही हो, दर्द ज्यादा हो रहा हो तो आप इसको अवॉइड करें। इससे मेरुदंड से संबंधित और खास करके पैरों में, पैरों को जब ऊपर लेकर जा रहे हो तो आपका पैरों का रक्त का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, तो ये भी आसन आपको जो मैंने बताया वेरिकोज वेंस उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। पैरों की चर्बी कम होती है, जंघाओं पे जो चर्बी आई हुई है वो कम होती है, कब्ज दूर होती है, बात रोग नष्ट होते हैं, भूख बढ़ती है, इससे जी भूख बढ़ेगी आपको, जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए आसन बहुत ही बढ़िया बताया गया है। तो समय हमारे पास बहुत थोड़ा ही बचा है, आसन हम एक या एक आसन और लेंगे अभी, जिसको हम कहते हैं धनुरासन। धनुरासन भुजंगासन दोनों ले सकते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, दोनों आसन हम ले लेंगे। धनुरासन दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथों से दोनों टखनों को पकड़िए, ठुड्डी जमीन पे सटी हुई, ये स्थिति है। अब श्वास भरते हुए सीना उठाना है, घुटना उठाना है, दोनों घुटने उठेंगे और शरीर को धनुष की भांति मोड़िए और उठाइए घुटनों को और बिल्कुल सामने देखिए। वेरी गुड, कोशिश बहुत बढ़िया कर रहे हैं, थोड़ा घुटने कम उठ रहे हैं लेकिन आपको अभ्यास करेंगे तो घुटने भी उठने शुरू हो जाएंगे। टखने से अच्छे से पकड़ के रखिए, रुकिए यहाँ पर।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया प्रयास किया, थोड़े से घुटने कम उठे थे लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया रहा आसन, धनुरासन। विश्राम की मुद्रा में आ जाए, हर आसन के बाद थोड़ी देर शरीर को विश्राम देना बहुत जरूरी होता है। धनुरासन से भी हमारे फेफड़ों के संबंधित, फेफड़ों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत बेनिफिट होता है। गर्दन और पीठ दर्द में फायदेमंद, जंघाओं में खिंचाव आता है। आप आसन करते हो तो आपको खुद को महसूस होता है कि कहाँ प्रेशर आ रहा है, कहाँ खिंचाव आ रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन, भुजंग आसन में दोनों हथेलियां जंघाओं सीने के पास, हथेलियों को 1 फुट की दूरी पर ले लीजिए, मैट के किनारे पर या मैट से बाहर 1 फुट की दूरी, पैर मिले हुए, सीधी जमीन से सटी हुई। धीरे धीरे नाक से श्वास भरते हुए सीने तक का भाग ऊपर उठाइए। यहाँ पे रुकिए, आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे, नीचे नहीं आएंगे, यही रुके रुके। नाक से श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठाइए, हाथों को सीधा करने का प्रयास करते हुए ऊपर देखिए छत की ओर। धीरे धीरे आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए, मुंह से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। वेरी गुड। अब हथेलिया नजदीक ले लीजिए 6 इंच के फासले पे, 4 स्टेप है इसमें। एक, नाक से श्वास भरते हुए सीने तक का भाग ऊपर, दो में यही रुके 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 आवाज के साथ श्वास बाहर निकालिए, तीन में नाभि तक का भाग ऊपर, नजरें ऊपर, धीरे धीरे नीचे। तीसरी बार आपके हथेलियां सीने से बिल्कुल सटी हुई रहे, एक, नाक से श्वास भरते हुए ऊपर आइए सीने तक का भाग, दो में आवाज के साथ, तीन, नाभि तक का भाग ऊपर, नजरें ऊपर, चार, आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। विश्राम। भुजंगासन, अभी हमने भुजंगासन कैसे किया जाता है जाना। भुजंगासन करने से जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक जिनको आया हुआ है, उनको ये आसन अवॉइड करना है। और कहीं भी आपके रीढ़ की हड्डी के मनकों में अगर प्रॉब्लम है, दर्द है, तो आप उसे सावधानी पूर्वक करें। इससे आपके खास करके जो ग्रंथियां प्रभावित होती है, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी, ये 3-4 ग्रंथियां, एड्रिनल गोनाड्स ग्रंथि भी प्रभावित होती है। तो आपको महसूस हो रहा होगा कि इससे आपको शरीर में कौन से चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। रिलैक्स। अब आप पेट के बल लेटे हैं तो पहले आपको घुटनों के बल आना है, दोनों घुटनों के बल आइए, फिर दाहिना घुटना आगे लीजिए, बायां घुटना आगे लेते हुए वज्रासन में, वज्रासन में आने के बाद सुखासन में आ जाए। सुखासन में बैठिए आराम से आसन बदलते हुए। सुचेता जी, आपने आसन किए हैं बहुत बढ़िया, अच्छे से है, सारे आसन कर रहे थे आप। मैं देख रहा था और भी भाई बहन जो है, कुछ भाइयों के
वीडियो ऑन थे तो आपको आसन करके कैसा लगा, अभी कैसा फील हो रहा है? चक्रों पे प्रभाव आपको महसूस हुआ होगा। अपना अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को एक बार। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आसन करके। अभी जो नाभि पे किया था भुजंगासन और थायराइड पे, इसे बहुत अच्छा लग रहा था। विशुद्धि केंद्र और इस पे बहुत अच्छा लग रहा था सर, बहुत अच्छा प्रयोग रहा। मुझे कुछ गलती हो तो क्षमा सर। आपने आज आसन करने में लिए कुछ सिलेक्टेड आसन लिए हैं। अच्छा, इन आसनों को अगर आप लेट कर पीठ के बल दो तीन आसन और लेट कर पीठ के बल पेट के बल दो तीन आसन, इतने आसन भी आप अगर कर लेते हो तो आप बिल्कुल, आपके सारे चक्र इससे प्रभावित होते हैं। किसी आसन से कौन सा चक्र आपको खुद को महसूस हुआ होगा, तो आज हमने प्रैक्टिकल सबको करवाया। काफी भाई बहनों ने वीडियो ऑन किए थे, देख रहा था मैं, काफी अच्छा कर रहे थे। आपने बहुत सही तरीके से किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धनुरासन में घुटने नहीं उठ पाए सर, लेकिन मैं कोशिश करूंगी और प्रैक्टिस जरूर करूंगी। कम उठ रहे थे, मैं देख रहा था। हाँ, कम उठ रहे थे जरा, धनुरासन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। मैं करके दिखाता तो भी दिखता नहीं। तो अभी एक बार अभी मैं करके दिखा देता हूँ, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। उस समय वीडियो आपके ऊपर फोकस किया हुआ था। अच्छा, मैं भुजंगासन, सॉरी धनुरासन कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं आपको। इस तरह पहले दोनों हथेलियों को जंगा के पास रखेंगे, छुट्टी जमीन से सटी हुई, पैर सीधे और पंजे बाहर की ओर। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़िए, टखनों से पकड़िए, टखनों से पकड़ लिया। अब श्वास भरते हुए पूरा ऊपर आना है, घुटने भी ऊपर, सीना भी ऊपर, नजरे ऊपर, सत की ओर। रुकना है यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम। ओम शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय आनंदमय शांतिमय। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के अनुयायी हैं। कल 6 तारीख है और कल सुबह हमारे साथ भरत भाई फिर जुड़ने वाले हैं। कल भी हमने उनको सुना था और कल फिर सुनेंगे। कल उन्होंने साइंस ऑफ योगा के बारे में बताया था और कल आने वाले अगले कल वो साइंस ऑफ मेडिटेशन के बारे में बताने वाले हैं। और उनका बूटकैंप कल रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, सुनना है भरत भाई को। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने कल समझाया था और कल फिर हम उनको सुनेंगे। हमारा समय हो रहा है। बहुत अच्छा सेशन रहा, मैंने भी पूरा अटेंड किया।
बहुत बढ़िया, हल्का संकला सूरज, बहुत अच्छा रहा आपका सेशन सुचेता जी, भी बहुत अच्छा आसन कर रहे थे, मैंने पूरा सेशन किया है, बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद भाई ने बताया, मैं उसी तरह से कोशिश कर रहा था, आसन को होल्ड करना, रुकना बहुत जरूरी होता है, तो ये बहुत जरूरी है। पतंजलि सूत्र में हमें यही सिखाया गया है, पतंजलि सूत्र में यही है कि पहले आसन में स्थिर बैठना सीखो, स्थिर सुखम आसनम, और उसके बाद दूसरा सूत्र दिया है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, मतलब प्रयत्न करो, धीरे धीरे उसमें शिथिल हो जाओ और फिर आनंद में विलीन हो जाओ। तो इस प्रकार आसन में ज्यादा रुकेंगे तो ही उसका रिजल्ट कैसा आता है, उसका भी एक प्रोसेस है, कभी मैं वो भी आपको बताऊंगी कि वो कैसे काम करता है रुकने से, उसका पूरा प्रोसेस बताया कि थोड़ा रुकने के बाद क्या हो जाता है। तो एक आसन हम लोग आधा घंटा तक रखते थे, इतना तक हमारा होल्ड गया था, तो ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी आपका वीडियो, मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, अभी आपका वीडियो ऑफ है, कोई बात नहीं, वो तो कोई खास बात नहीं है, ये आप बोलिए आपका वीडियो आएगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई खास बात नहीं, वीडियो की इतनी कोई खास बात नहीं, जब तक बात पहुंचे इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अपने लिए एक आसन सिलेक्ट करो रोज, अगर क्लास में दूसरा भी कुछ चले तो खुद का एक आसन सिलेक्ट करो और उसमें आप घड़ी में देखते जाइए और रोज अपना समय बढ़ाते जाइए और कोशिश करें कि मैं कितनी देर रुक सकता हूँ, और वो रोज टाइम बढ़ाने का प्रयत्न करने का, जितना टाइम बढ़ेगा, शुरू में अपन बैठेंगे और जैसे जैसे प्रयत्न करेंगे अपन कायोसर करते, वैसे आसन में कायोसर करने का, छोड़ देने का, धीरे धीरे शिथिल शिथिल शिथिल, आसन में शिथिल हो जाने का। अच्छा। तो एक एक अवयव जैसे शिथिल हो जाएंगे तो फिर क्या होता है, आसन करने से तनाव आता है, फिर जैसे तनाव रिलैक्स हो जाएगा फिर वो काम करना शुरू कर दिया करेगा, काम तो तब शुरू करेगा जब रुकेंगे, हमने किया और छोड़ा तो वो काम कब करेगा ना। तो जब आपको रिजल्ट चाहिए, तो मुझे तो उसका फायदा हुआ है, मेरा डायबिटीज के आसन करती हूँ, काफी देर रखती हूँ, तो मैं भी सर्वांगासन अभी 5-5 मिनट रखती हूँ, तो कोशिश करते कि उससे अपने डायबिटीज वालों को बहुत, और वजन कम करना है तो स्पीडी करना है, दो प्रकार होते हैं, जैसे आपको 30 डिग्री 60 डिग्री दिखाना, तो जिसको वजन कम करना है उसको फटाफट फटाफट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे स्पीडी करना है। तो ये दो तत्व है, स्थिर सुखम आसनम और व्यायाम के जैसे स्पीडी करना, तो जिसकी जो अपेक्षा है उसको उस तरह से आसन करेंगे तो उसके लाभ वैसे होंगे। और आगे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे, बहुत सुंदर आसन किया आनंद जी ने, बहुत धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच सब, ओके धन्यवाद।